गुड मॉर्निंग क्लास एथ कल हमने किया था कल तक हमने किया था इस द पोएम ब्रोक का इंट्रोडक्शन और उसमें लिटरेरी डिवाइस किया जो लिटरेरी डिवाइस में जो मैं आपको बताया था वो मैं आपको जब ये पोइम पढ़ती हूँ उसमें स्टेंजा वाइज में लिटरेरी um, डिवाइस आपको समझा दूँगी ठीक है तो uh, जब ये पोएम स्टार्ट होते हैं द ब्रोक ठीक है आई कम फ्रॉम होन्स ऑफ कूट्स एंड हैर I make a a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. अब देखो, पर में ब्रुक क्या बोलते हैं यहाँ पर आई, आई जो होता है वो क्या है ब्रुक ये ब्रुक बातें कर रहा है ठीक है ये ब्रुक जो बातें कर रहा है ब्रुक जो ब्रुक ये झरना ही खुद बोल रहा है आई कम फ्रॉम होन्स वो कहा से आते हैं कम फ्रॉम उस जगह पर बोलते हैं जहां पर frequently विजिट करते है वोटरबर्ड है? है? है एक वोटरबर्ड है ठीक है अब यहाँ पर हैरन जो होता है उसका एच ई आर ओ एंड हैरन करके होता है अब उसने ओ को क्यों कट कर दिया क्योंकि एक पोइटिक लाइसेंस करके होता है poetic lesson, poetic करके होता है जिसमें पोएट लोगों को राइमिंग वर्ड्स होने के लिए यहाँ पर वो लोग थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर ब्रुक बता रहा है कि वो उस जगह से आते हैं जहां पर कूच और हैरन जो है फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं आई मेक अ एन सैली सैडन मीन सैली मीनस एकदम से इमर्ज होना सडन मीन्स एकदम से और इमर्ज होना इमर्ज मीन्स एकदम से स्टार्ट होना ठीक है एकदम से शुरू होना वहाँ से इमर्ज हो जाता है वहाँ से वो इमर्ज हो जाता है एकदम से एंड स्पर्कल आउट अमंग द फन स्पर्कल स्पर्कल मीन्स होता है शाइन स्पर्कल मीन्स क्या होता है शाइन एकदम से शाइन होके वो उस जगह से आते हैं जहां पर फर्न फर्न मीन्स कंप्लीट ग्रीन प्लांट ग्रीन ग्रीन प्लांट जिसमें कोई फ्लावर्स नहीं होते हैं उस जगह से वो वहां से शाइनिंग होते आते हैं टू बिकर डाउन अ वैली ठीक है टू बिकर डाउन बिकर मीन्स क्या होता है साउंड करना ठीक है आवाजें निकालना आवाजें निकल निकल के वो उसी वैली से आते हैं एक वैली से ही आते हैं ठीक है ठीके? वैली से जहां पे स्टेप्स है उसमें से वहां पर ऐसे पहाड़ है उसके बीच में से वो शुरू होके आ जाते हैं ठीक है ठीके? तो इस टेंजा में क्या है ये जहां पर कूच और हैरन फ्रीक्वेंटली विजिट करते है वहां पर मैं एकदम से इमर्ज हो जाती हूँ और उस जगह से आती है जहां पर प्योर ग्रीन ग्रीन प्लांट है वहां पर शाइनिंग होके और आवाजें आके उस वेली से डाउन होके आ जाते हैं ठीक है ठीके? तो इस टेंजा में हम जब कल हमने ये सब किया था पर्सोनिफिकेशन एलिट्रेशन रिपीटेशन ये सब किया था आई यहां पर आई जो है ये पर्सोनिफाइड है ठीक है आई जो है पर्सोनिफाइड है और उसके बाद फ्रॉम कूट्स एंड आई मेक सडन सैली यहां पर स स से होते हैं तो हमने एक, एक, एक ये किया था एलिट्रेशन ऐसे सडन सैली तो यहाँ पर क्या बन गया एलिट्रेशन बन गया एंड स्पर्कल आउट अमंग द फन टू बीकर डाउन अ वैली ठीक है जो ये हैंड और फन जो है ये भी राइमिंग वर्ड पर गिना जाता है ठीक है अब यहां पर यह क्या बोल रहा है? रीजेस बाई ट्वेंटी थॉप्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ अ हंड्रेड ब्रिजेस यहां पर ब्रुक क्या बोलते हैं बाई थर्टी थर्टी हिल्स यानी कि थर्टी हिल्स वो हो के आय यहाँ पर आय वो ब्रुक खूत बोल रहा है थर्टी हिल्स हो के मैं उसमें से हरी हरी मीन स्पीड स्पीडली वो नीचे आ जाते हैं और स्लिप बिटवीन द रिजिस स्लिप हो के रिजिस रिजिस क्या होता है एक अ लॉन्ग नैरोलटॉप और और रेंजिस ठीक है रेंजिस मीन इस तरह से ऐसे पहाड़ होते हैं उसमें से स्टीव यहाँ से स्लोप होके जब स्लोप होते हैं तो स्पीड से वो नीचे आ जाते हैं ऐसे नीचे होके थर्टी हिल्स ऐसे थर्टी हिल्स से वो नीचे स्पीड से आते हैं और स्लिप बिटवीन जहाँ ऐसे रिजिस में से जहाँ जहाँ ऐसे स्लोप है ऐसे हिल टॉप्स है उसमें से, उस से स्लोप्स हो के आ जाते हैं बाई ट्वेंटी यानी कि ट्वेंटी थॉप उसमें से क्या आ जाता है उसका ट्वेंटी पिछले जमाने का जो एक thops बोलते हैं एक ancient language है पहले मतलब पहले जमाने का जब ये विलेज का विलेज का thops का मीनिंग जो है विलेज है तो उस ट्वेंटी thops वहां से उसको वो उसमें से हो के आ जाते हैं और उसके बीच में क्या आते हैं एक लिटिल टाउन भी आ जाते हैं छोटा सा टाउन भी आ जाते हैं एंड हाफ आंड्रेड ब्रिजेस हाफ आंड्रेड मीन्स यानी कि फिफ्टी हंड्रेड से हाफ फिफ्टी ब्रिज कवर करके वो आ जाते हैं अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला बाई थर्टी हिल्स आई हरीट डाउन यानी कि वो थर्टी हिल्स में से वो ब्रुक जो है वो स्पीड से नीचे तक आ जाते हैं स्लिप होके के रीजिस में से जहाँ पर लॉन्ग नैरो ऐसे हिल टॉप्स है और ट्वेंटी थॉप्स यानी कि ट्वेंटी विलेज होकर और उसमें से छोटा सा टाउन है और करीब फिफ्टी ब्रिजेस भी हो के आ जाते हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें से ट लास्ट बाय फिलिप फार्म आई फॉलो यहाँ पर टिल तक आ जाते हैं बाय फ्लिप फार्म अब फ्लिप फार्म क्या है फ्लिप जो है वो कोई भी किसी भी इंसान या कोई भी नाम ले लो जो होता है फार्मर होता है ठीक है कोई भी ऐसा फार्मर के फार्म से वो फॉलो होके जाता है टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर वो कहाँ ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर क्या होता है जहां पर उसका डेस्टिनेशन से जहां पर वो पहुंचना मतलब पहुंच जाते हैं ठीक है फुल ब्रीमिंग मीन्स क्या होता है यहाँ पर फुल ऑफ वाटर अप टू द ब्रीम जहां पर बहुत ज्यादा पानी होता है ठीक है वो वहां से होके लास्ट उसमें से होके आता है फ्लिप के फार्मर यानी कि फ्लिप्स किसी फार्मर्स के फार्म पे होके फॉलो होके फिर वो जाते हैं ब्रीमिंग रिवर पे ज्वाइन करते हैं ठीक फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर फॉर मैन में अब ये जो ये जो तीन लाइन है ये जो है इस पोईम का सबसे बड़ा मैसेज है ठीक है बहुत बड़ा मैसेज इसमें होता है इन्होंने बोला मैन मे कम कम मीन्स क्या होता है इसमें बर्थ और मैन मे गो मीन्स इसका डेथ ठीक है अब यहाँ पर पोएट जो है एक इंसान से यानी कि एक ह्यूमन बींग से कंपेयर कर रहा है टू ज्वाइन तो ब्रीमिंग रिवर पे ज्वाइन कर देते हैं फॉर मैन यानी कि ह्यूमन बर्थ होते हैं एंड मैन मे गो वो फिर डेथ हो जाता है इस लाइन का मतलब होता है दैट अ मैन इज अ टेम्पररी टेम्पररी मैन इज अ टेम्पररी ठीक है एंड बट आई गो ऑन फोर एवर बट ये ब्रुक जो है ये क्या है एक इटर्नल यानी कि मैं कभी मैं फोर एवर हूं मैं कभी इटर्नल मैं कभी डेथ नहीं होते मैं हमेशा चलते रहते हूँ ठीक है आप यहां पर ब्रुक ने कंपेयर किया एक ह्यूमन बींग से जो मैन की मैन जो है वो बर्थ होते हैं और डेथ होते हैं, बट मैं जो होती हूँ फोर एवर होते इटर्नल होते मैं चलते रहती हूँ ठीक है तो ये जो लाइन इस पॉइंट में ये जो लाइन है ये मेन जो है इनका मैसेज दे रहा है ठीक है अब नेक्स्ट टेंजा इसमें क्या बोलना है आप यहाँ पर देखो यहाँ पर अभी आई forgot कि यहाँ पर मैन मैं मैन मैं, मैं करके आया दैट इज मैन मैं मैन मैं, मैं यहाँ पर दो बार आया मैन मैं और मैन मैं दैट इज रिपीटेशन रिपीटेशन में जो स्टेंजा में या पूरा पोएम में एक दो बार रिपीट हो जाता है ठीक है इसी तरह यहाँ पर आई जो है पर्सनिफाइड है और यहाँ पर मैन में जो करके ये आधा तक है ये एलिट्रेशन से जो कंसोनेंट साउंड से स्टार्टिंग में आ जाते हैं क्लियर है नाउ नेक्स्ट एंजा आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शॉप एंड ट्रेबल्स I bubble into eddying bays. I bubble on the pebbles. अब यहां पर चैटर बैबल ट्रेबल्स इडिंग ये सारा क्या है बैबल्स जो है ये सारा जो है एक साउंड है जो हमारे ऑनोमोटोपिया में यूज होते हैं ठीक है ठीके? एक ऑनोमोटोपिया साउंड वर्ड्स देते हैं ठीक है ठीके? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आई चैटर ओवर stony वे स्टोनी means एक बड़ा बड़ा स्टोन होता है जो बिग स्टोन होता है ठीक है आप यहाँ पर बोल रहा है जैसे कि आम, जैसे कि कुछ लोग बहुत बातें करते हैं तो उसको चटर बोलते हैं ठीक है वो वो चटर करते हैं ठीक है आप यहाँ पर ब्रुक जो ये ब्रुक बोल रहा है आई ब्रुक बोल रहा है वो चटर करते हुए वो आवाजें करते हुए स्टोनी वेस्ट स्टोनी वेस मीन जहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर है उस टाइम उस जगह पे वो बहुत ज्यादा आवाजें करके आते हैं अ लिटिल शार्प ऑफ भी नीचे पहुंच जाता है लिटिल शर्प जहां पर स्टोन uh, से उसको शर्प यानी कि जैसे कि वाटर uh, आते हैं इस तरह से आते हैं, तो फिर एकदम से स्लोप होके आ जाते हैं शर्प में आ जाते हैं एंड ट्रेबल्स जब वो शब्द सीधे आ जाते है, उसका और भी ज्यादा इन टू देंग बेस इडेंग means क्या होता है स्पायरल movement, इस तरह से स्पायरल होना इस तरह से ऐसे ऐसे होना ठीक है अब मैं जब ऐसे बेस में जब ऐसे जगह जहां पर सीधा आके फिर एकदम से स्प्रेड हो जाता है वाटर ऐसे स्प्रेड हो जाता है उस टाइम पे उस जगह पे, बेस वो जगह एकदम से बड़ा हो के वो 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 जब जाते हैं, हैं? तो वो क्या करते होके चले जाते हैं एंड वो बबल करते हैं ठीक है उसमें बबल्स आ जाते हैं। आई बेबल ऑन द पेबल्स यानी कि बेबल मीन्स क्या होता है बे, ये बेबल्स मींस एक उम, आवाज जिसका बिल्कुल ऐसे अच्छे से आवाज जिसका खुशी का आवाज जो होता है जब वहां तक पहुंच जाते हैं वो छोटे 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 पेबल्स मीन छोटे छोटे स्टोन ठीक है छोटे छोटे स्टोन के ऊपर से जब वो जाते हैं तो फिर क्या होता है वहां पर वो बिल्कुल खुशी खुशी वाला आवाज निकालते हैं ठीक है तो इसमें चैटर जो है बैबल जो है ये सारा क्या है ओनोमोटोपिया है एक मैंने एनाफोरा करके आप लोगों को बताया था पहले उस एनाफोरा ये वाला एनाफोरा जो है उसमें रिपीटेड हो जाता है जैसे कि यहाँ पर बबल बबल करके हुआ था तो ये चीज को हम ए, एनाफोरा भी बोलते हैं ठीक है थीके? आप यहाँ पर विथ मेनी विथ मेनी अफ माई बैंक आई फ्रेट By many and fellow, and may, many fairy, fallen, sat, willow, weeds, a many a a a a field and 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 may with With willow mellow. curve. Curve means होता है, करना. कभी कभी पानी ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके आ जाते हैं, ठीक है ठीके? एक ट्विस्ट करके आ जाते हैं My banks. Banks मीन तो किनारा होता है आपको पता है My banks मीन्स वो जब आते हैं उसके banks पे आई फ्रीट फ्रीट मीन जहां पर पानी आते हैं उसके कभी कभार बिल्कुल किनारे पे लग जाते हैं फिर थोड़ा लगते लगते थोड़ा बहुत कवर हो जाते हैं ठीक है थीके? वो पानी ज्यादा आते आते ऐसे कवर हो जाते हैं उस चीज को फ्रेट बोलते हैं, कवर वो कवर कर देते हैं, साइड साइड थोड़ा थोड़ा करके कवर कर देते हैं ठीक है बाय मेनी आ फील्ड एंड फेलो ठीक है अब यहाँ पर एक इतना ज्यादा जब वो सब ऐसे कवर हो जाते हैं वो बोलते हैं इतना ज्यादा फील्ड्स होता है इतना ज्यादा खेत होते हैं जिसको वो क्या करते हैं फिर से वो फर्टैलिटी बनाते हैं फिर से वो उसमें पानी होने के बाद वो फ्लावर्स आ जाते हैं जहाँ खेत हो तो उसको गेहूँ आ जाते हैं चावल जा आ जाते तो फिर इसमें वो और भी ग्रीनरी उसमें फर्टेलिटी बन जाते हैं एंड मैनी अ फेरी लैंड अ फेरी फेरी तो आपको पता ही है जैसे कि फेरी स्टोरी होता है जैसे कि उसमें स्टोरी में आप फेरी लैंड करके होता है जिसका एक्चुअल में नहीं होते है आप यहां पर क्या बोल रहा है वो एक ऐसा ये सब में आके एक ऐसा जगह बनाते हैं जहां पर एक ऐसा फॉर लैंड फॉरलैंड पीस ऑफ अ लैंड दैट एक्सटेंड इन टू सी यानी कि सी के साइड में वो एक्सटेंड होके इसी तरह एक अच्छा सा जगह पीस लैंड वो बना देते हैं With a willow. Willow means, अब जब उस में क्या क्या होता है कि शब ईंड प्लांट होते हैं एंड अब मेलो मेलो means क्या होता है जहां पर plants होता है जिसका छोटा छोटा पिंक फ्लावर्स होते हैं तो वीट विलो एंड मेलो वहां पर उग जाते हैं जबकि वो वहां पे चले जाते तो वो एक अच्छा सफेरी लैंड वो बना देते हैं ठीक है ठीके? तो फिर उन्होंने यहां पर बोला था आई चटर चटर एस आई फॉलो टू जोइन द ब्रीमिंग रिवर फिर से अगेन यहाँ पर यही आया आई चटर में चटर चट में बातें करके यानी की मैं आवाजें करके आती हूँ एंड फॉलो होके आती हूँ फिर कहा पर जाती हूँ ब्रीमिंग रिवर पे चले जाती हूँ फॉर मैन में कम यानी कि मैन आते हैं बर्थ होते हैं डेथ होते है बट मै फॉर एवर इटर चलते रहती हूँ ठीक है तो यहाँ पर आई चटर चटर यानी कि चटर चटर क्या है ऑनोमोटोपिया है ठीक है ऑनोमोटो जो है वो है ऑनोमोटोपिया है और यहाँ पर बैंक्स बाय मैनी फील्ड आई फीट अ फेलो जो फेलो और मेलो जो है वो एक राइमिंग वर्ड्स है ठीक है तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे ठीक है यहां तक करेंगे जो कितना स्टेंजा हुआ Oh, one, two, three, four, five, तक किया हम हम के साथ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए और आपकी जो यहाँ पर uh, मैं अभी ये लिटरी जो टर्म्स है लिटरी डिवाइस जो है मैं आपको सेंड करूंगी पीडीएफ करके तो उस चीज को आप लोग अच्छे तरह से देख के और साथ में आप लोग इस चीज़ को कंपेयर करके यहाँ पर ऑनोमोटोपिया है एनाफोरा है पर्सनिफिकेशन है एलिट्रेशन रिपीटेशन जो है अभी तक हुआ उस चीज़ को कंपेयर साथ में ज़रूर कर लेना सो so, नेक्स्ट जो स्टेंजर से है सेवन स्टेंजा से हम नेक्स्ट करेंगे थैंक यू सो मच बच्चे